नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदे। आप सभी का वकील आपका शो में स्वागत करता हूं। भारत में स्वास्थ्य देखभाल और बुढ़ापा पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए बुढ़ापे से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई है। क्या है ये नीतियां, क्या है ये कानून और क्या क्या है बुजुर्गों के हक में कानून, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। आप सभी से मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है पूर्व डीजीसी एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ है एडवोकेट वरुणी गुप्ता जी, जो आप सभी दर्शकों को आज बुजुर्गों यानी कि सीनियर सिटीजन से जुड़े उनके मेंटेनेंस, उनके वेलफेयर के बारे में जानकारी देंगी। तो इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। पिछले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है, लेकिन बुजुर्गों की संख्या 4 गुना से भी ज्यादा हो गई है। पिछले एक दशक में भारत में वयोवृद्ध लोगों की आबादी 39.3% की दर से बढ़ रही है। आगे आने वाले दशकों में इसके 45 से 50% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल और बुढ़ापा पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए बुढ़ापे से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं। भारत सरकार ने 1999 में बुजुर्गों से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाई, जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इस राष्ट्रीय नीति में वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय, जानकारी संबंधी आवश्यकताओं, उचित रियायतों आदि में सहायता प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जैसे उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून 2007 में माता पिता या दादा दादी को उनके बच्चों से आवश्यकता अनुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था है। कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जान माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और हर जिले में वृद्ध सदनों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कानून के बारे में पूरी जानकारी ना होने और विभिन्न स्तरों पर ठीक तरह से कानून लागू ना होने के कारण बड़ी संख्या में वृद्धजन इस कानून के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो एक अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या है। चलिए, ये तो हमारी एक खास पेशकश थी जिसमें हमने बताया कि बुजुर्गों की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और उनके खिलाफ जो मेंटेनेंस की बात है वो जो है नहीं मिल पा रहा और इस नियम से वो वंचित है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं जी। अपना सवाल, अपनी बात कीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है वकील साहब जी, कि एक परिवार है जिसकी 2 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं और मदर के नाम में उसके हस्बैंड जो बालकों के भारत स्टील कंपनी लिमिटेड में एम्प्लॉय थे वो एक्सपायर हो गए हैं और उनके डीपीएफ राशि वगैरह ये लगभग 70 लाख का बन रहा है। उस 70 लाख को क्या हुआ है कि उन्होंने अपने वीडियो के नाम में नॉमिनी बनाया था उनको, उनकी जो वीडियो है इन बच्चियों की, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियां वाली हैं, उनकी मदर इनको नहीं देना चाह रही हैं और उनकी बड़ी एक और बड़ी डॉक्टर है उन्हीं को सब अमाउंट देना चाह रही है। तो ये दोनों छोटी डॉक्टर दोनों हैं, 2 पुत्रियां हैं, उनके लिए क्या रेमेडी है उसको रोकने का, उस पैसे को वो बैंक वाला बालकन है तो इनको निकाल दिए हैं जैसे लग रहा है, नाम बैंक में जमा हो गया है और बहुत सारा कम 6 लाख बचा है उसमें, इसको रोकने का, उसको हमको लेने का, मतलब किस तरह से लीगल रिमेडी हम कर सकते हैं ये बताइए। देखिए, जीपीएफ फैमिली के वेलफेयर के लिए एक अमाउंट होता है जो किसी के द्वारा जो जीवन भर योगदान दिया जाता है उससे डिडक्ट करके कलेक्ट किया जाता है। तो निश्चित रूप से पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए वो धन है। अगर
वाइफ को उन्होंने नॉमिनी बनाते हुए संपूर्ण जीपीएफ की रकम उनको दे दी है और पुत्री जो उनकी पुत्रियां हैं वो भी उन्हीं पर डिपेंड थी, तो वो सिविल सूट के माध्यम से अपने राइट को क्लेम कर सकती हैं और उस अमाउंट में अपने हिस्सेदारी को दिखाते हुए उपसम माननीय न्यायालय के द्वारा प्राप्त कर सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसवंत। एक दर्शक सलमान लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सलमान जी जल्दी से अपना प्रश्न कीजिए। सर मैं एक जानना ये जानकारी चाहता हूँ कि जो धारा 353 है इसके बारे में सर फुल जानकारी चाहता हूँ, मतलब इसमें क्या गिरफ्तारी हो सकती है या क्या इसका समाधान है इसके बारे में। प्रश्न फिर से कर लीजिए सलमान जी। सर ये मैं जानता हूँ धारा 353 के बारे में कि इसका क्या समाधान है या इसमें गिरफ्तारी है या नहीं है या इसकी बेल कैसे होगी, इस तरीके की जानकारी। देखिए ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है ये सेक्शन और इसमें गिरफ्तारी के प्रोविजंस हैं, गैर जमानती अपराध है ये, तारीख में हो सकती है। अगर किसी के खिलाफ ये अभियोग पंजीकृत हुआ है तो उसको माननीय न्यायालय के समक्ष या तो हाजिर होकर बेल करा लेनी चाहिए या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज हुई एफआईआर के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, यानी उसको 482 के अंतर्गत वहां रिट फाइल करनी चाहिए या क्रिमिनल रिट फाइल करते हुए जो भी रेमेडी माननीय उच्च न्यायालय से मिले उस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जी आपने प्रश्न किया। एक दर्शक और है प्रमोद दिल्ली से जुड़ चुके हैं, पहले उनकी राय जान लेते हैं। प्रमोद जी अपना प्रश्न पूछिए। ऐसे है जी, मैंने जेट एयरवेज से बेंगलुरु की टिकट बुक की थी जी अपना 31/1/19 को 14 जुलाई के लिए जी 17 जुलाई की। प्रश्न क्या है वो करिए प्रमोद जी। उसका वो जेट एयरवेज बंद हो गई है, उसका रिफंड नहीं मिल रहा मुझे। ऑनलाइन पेमेंट हुई थी मेक माई ट्रिप के थ्रू। देखिए आपने जो टिकट बुक की थी उस टिकट के माध्यम से आप ट्रेवल करना चाहते थे और ट्रेवलिंग का कोई ना कोई आपका उद्देश्य रहा होगा, तो इस निश्चित रूप से आपकी जो क्षति हुई है, आपकी चाहे वो क्षति आर्थिक हो या सामाजिक हो, जो भी क्षति हो उसको आप कंज्यूमर फोरम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करके अपने राइट को आप क्लेम कर सकते हैं और आपको आपका अधिकार प्राप्त होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपने अपना प्रश्न किया। धर्मेंद्र जी एक आज आप पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा वृद्धों के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, आपने देखा होगा वृद्धाश्रम में रहते हैं लोग छोड़ जाते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन होता है उनके मेंटेनेंस और वेलफेयर के अगर बात की जाए। देखिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक सर्वे कराया गया भारतवर्ष का, तो इंडिया में लगभग 10 करोड़ वृद्धजन है जो कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उसमें से भी बड़े आश्चर्य की बात है जो सर्वे है उसमें लगभग 5 करोड़ के आसपास ऐसे वृद्धजन हैं जिनके खाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिनके इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो कहीं ना कहीं निरीह व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही विषम और असामाजिक स्थिति है जो हमारा भारत का लोकतंत्र है उसमें सभी को समान अधिकार, सभी को जीवन जीने के अपने अधिकार उपयोग करने का, सबको अपने भरण पोषण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये बहुत ही विडंबना है हमारे समाज के साथ में कि इतने लोग यानी 10 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ वृद्धजन अभी भी ऐसे भी हैं जिनको उनके भरण पोषण उनके इलाज आदि के लिए कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। जी धर्मेंद्र जी रोकना चाहूंगा आपको, एक दर्शक हमारे साथ शाहजहांपुर से रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश जी आप अपनी बात कीजिए। हेलो जी अपनी बात रखिए। आवाज आ रही मेरी सर? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हमारी बात यह है सर कि मैंने एक सर्विस मैटर की बात है सर। जी सर जी मैंने एक सर्विस के लिए अप्लाई मैंने सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि फोन लाइव में हमारे साथ और भी दर्शक लगे रहते हैं। एससी में किया था, मुझे जनरल में ट्रीट करवाया गया लेकिन उसमें हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला हुआ और जनरल में ट्रीट करवा के मुझसे कहा कि मैं सर मैंने एससी में फॉर्म भरा था और मुझे जनरल में ट्रीट करवाया गया जबकि सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे जिससे मुझे नौकरी नहीं मिली जी। और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था जी। और मुझे यह कह दिया गया कि आप ऐसे क्या है इसलिए आप आओ। देखिए आपकी जो समस्या है वो समस्या अति गंभीर है, इसके लिए अगर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप याचिका प्रस्तुत करते हुए रिलीफ सीख करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिलीफ प्राप्त होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी कॉल करी। धर्मेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जैसा कि मैं अभी आपको यूनाइटेड नेशन द्वारा जो कराया गया सर्वे उसके बारे में बता रहा था,
1999 में जो रूल्स आए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए वृद्धजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और उन रूल्स पर जो कानून आया वो मुख्यतः 2007 में आया, सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007। 2007 में जो एक्ट आया उसमें बहुत सारे कानूनों को एक अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया, और उसमें जो सीनियर सिटीजन है देश के उनको संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार में उनके भरण पोषण का अधिकार, उनके इलाज आदि का अधिकार, उनके रहने का अधिकार और उनके जीवन यापन का अधिकार, ये संपूर्ण अधिकार 2007 में जो एक्ट आया उस एक्ट के अकॉर्डिंग हर सीनियर सिटीजन को भारतवर्ष में प्राप्त हुआ। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अधिकार हैं सीनियर सिटीजन के उन पर अगर कोई ग्रीवांसेज हैं, कोई भी शिकायत है किसी भी वृद्धजन की, किसी भी सीनियर सिटीजन की जी, तो उसके लिए एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो ट्रिब्यूनल प्रत्येक जिले में स्थापित है, उन ट्रिब्यूनल्स में अपनी उस शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जिस तरीके से 195 सीआरपीसी के अंतर्गत एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ज्यूडिशियल प्रोसेस करने के राइट प्राप्त हैं, वैसे ही ट्रिब्यूनल को भी लीगल प्रोसेस आगे कंटिन्यू करने के अधिकार इस एक्ट के माध्यम से प्राप्त हैं। और यही सीनियर सिटीजन के लिए एक महत्वपूर्ण एक्ट है जिससे इनके सारे अधिकारों का संरक्षण हो रहा है। चलिए, आपने एक्ट की बात बता दी, सीनियर सिटीजन 2007 में जो एक्ट आया था इसकी बात बता दी, और भी इसकी गहराई में जाएंगे और भी चीजों के बारे में जानेंगे, लेकिन इसी बीच एक दर्शक हरदोई से नन्हे लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नन्हे लाल जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर था जी, 1999 में थाना बिलासपुर, जिला रामपुर में थाना था। तो एक लड़की पीछे पड़ गई थी मेरे, उस समय साथी को समझाया वो माने उन्हें नहीं, उसके बाद तो मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं इधर उधर चला गया, फैजाबाद से रिटायर हुआ, 2012 में रिटायर हुआ जी। अब उसने मुकदमा दायर किया कि इनसे मेरी लड़की है, और 125 का मुकदमा दायर कर दिया। हमने उसको फेस भी किया लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और खर्चा बांध दिया। मैं डीएनए टेस्ट कराना चाह रहा था तो न्यायालय में दरखास्त भी दिया, मतलब लोअर कोर्ट में भी, सेशन में भी, हाई कोर्ट में भी गया, किसी ने सुना नहीं हमको, डीएनए टेस्ट वाली दरखास्त हमारी खारिज कर दी गई। अब हमको क्या करना चाहिए, वो लड़कियों की हमारी नहीं है बिल्कुल, मैं 100% पूरा विश्वास, मेरा कभी संबंध नहीं रहा उससे। चलिए ठीक है, देखिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपने जो याचिका प्रस्तुत की थी और उसमें भी अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिला है तो आप डबल बेंच के समक्ष जा सकते हैं अपील में, या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप विशेष अनुमति याचिका में जा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आपको ये विश्वास है कि डीएनए टेस्ट होने पर आपकी जो रिलीफ है वो आपको मिल जाएगी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने पर, यानी एसएलपी प्रस्तुत करने पर आपको रिलीफ प्राप्त होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नन्हे लाल जी, आपने हमें कॉल करी। जितेंद्र एक दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछे। जितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। चलिए, लगता है जितेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वृद्ध लोगों से जुड़े हुए पहलुओं पर, उनके भरण पोषण पर, उनके मेंटेनेंस पर, और भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बिंदा खुराना दिल्ली से। खुराना जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने ये 2007 का जो एक्ट बना हुआ है ना सीनियर सिटीजन का जी, इसमें लिखा हुआ है, इसमें पैरा नंबर 23(1) में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे देते हैं और वो आपकी देखभाल नहीं करता, आपको बेसिक अमेनिटीज नहीं प्रोवाइड करता, तो आप अपना फ्लैट वापस ले सकते हैं जी। देखिए बिंदा जी, जो आपने एक्ट में पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर आपने किसी भी अपने डिपेंडेंट को, यानी जो आपका बच्चा है उसको आपने कोई भी फ्लैट पहले दे दिया और अब आपके वृद्धावस्था में वो अगर आपका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, यानी वो जो आपके लिए उनको करना चाहिए, अनग्रेटफुल चाइल्ड है वो, तो निश्चित रूप से आप दिए गए गिफ्ट को वापस ले सकते हैं। और ट्रिब्यूनल के समक्ष जो आपने पिटीशन फाइल करेंगे
उसमें ट्रिब्यूनल को ये राइट है कि वो गिफ्ट डीड को शून्य करने का आदेश पारित कर सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी, आपने कॉल करी और आपने अपनी जो समस्या है वो हमारे सामने रखी। याहिया कुरैशी एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। याहिया जी जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। आवाज आ रही है आपको हमारी? आ रही है याहिया जी, अपना प्रश्न कीजिए। जी सर, मेरा मेरा प्रश्न ये है, मैं वकील साहब के से एक जी याहिया जी प्रश्न कीजिए। मेरा प्रश्न वकील साहब से ये है कि जो एक आवासीय पट्टे हैं जी, जो 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 बीते हुए जो अंग्रेजों का शासनकाल था, जब से बने हुए फ्लैट हैं, क्वार्टर हैं, और उन पर किराए पर कॉलोनी में लोग मतलब विराजमान हैं। अब कुछ लोग उनको एक्स वाई जेड कोई भी आकर, मान लीजिए 50 साल 60 साल से वो लोग वो कॉलोनी आबाद है, उस कॉलोनी को आकर लोग उसको हटाने लगे या उसमें से शेयर लेने लगे या उनको बेदखल करके निकालने लगे, तो इसके लिए क्या कानून है? उनको गरीब परिवार, उनको क्या प्रोविजंस है इस तरीके के? लीगल वे में क्या एक्शन हो सकता है? क्या उनको हटाया जा सकता है? देखिए, जो भी इतने वर्षों से 60 वर्षों से कहीं पर काबिज हैं और उससे ज्यादा वर्षों से और वहां पर रहते हुए उस जगह का उपयोग उपभोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके वहां पर एडवर्स पोजीशन के राइट भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसके साथ साथ में यदि कोई तृतीय पक्ष आगे उनको बलपूर्वक हटाना चाहता है तो माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष आप वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। आदेश 39 नियम 1-2 सपठित धारा 151 के जो प्रोविजन्स हैं, जो सेक्शन 151 सीपीसी के प्रोविजन्स हैं, उसके अंतर्गत आपको कोर्ट से इंजंक्शन प्राप्त हो जाएगा और आपको कोई भी फोर्सफुली इजेक्टमेंट नहीं कर सकेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया याहिया जी, आपने अपनी बात रखी। धर्मेंद्र जी एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने अधिनियम की बात करी 2007 की, इसमें एक चीज मेरे आपसे पूछना चाहूंगा कि जो वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो कौन होते हैं इस अधिनियम के तहत अगर बात की जाए, और उनके मेंटेनेंस कैसे होते हैं, मतलब किस प्रकार से होते हैं, इस पर बात करना। देखिए जो अधिनियम है उस अधिनियम में जो प्रोविजन है उसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, वो पुरुष हो या महिला हो, यानी लेडीज हो या जेंट्स हो, वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत सारे सरकार के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे टैक्स में भी उनको रिबेट दी जा रही है, उनको उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं, इसी के साथ साथ रेल यात्रा में भी उनको सहूलियत दी जाती है, पुलिसिंग में भी कहीं ना कहीं जो बीट पुलिसिंग है उसके एरिया में जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बारे में उनको पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए, इसके भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं। जहां तक हम एक्ट की बात करते हैं, एक्ट में सेक्शन 5 में ये प्रोविजन बताया गया है, यानी प्राविधानित है कि जो सीनियर सिटीजन है वो कौन होंगे। सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हो सकते हैं, उसके साथ साथ जो उनकी संपत्ति है उसको सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है, उस संपत्ति में उनके द्वारा स्वअर्जित संपत्ति, उनको प्राप्त हुई संपत्ति, उनके जो चल अचल संपत्ति में शेयर आदि भी आते हैं, तो जो उनकी संपत्तियां हैं उनका पूर्ण स्वामी और स्वत्वाधिकारी वो सीनियर सिटीजन होते हैं। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का था कि ये इनको कैसे अधिकारत मिलते हैं, ये अपने लिए क्या कर सकते हैं सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन पे जो जो सीनियर सिटीजन के वारिसान हैं जिनको उनकी संपत्ति हस्तांतरित होती है उनके ना रहने के बाद, उनसे वो अपने वेल्फेयर मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं कहीं पे प्रश्न आता है कि जो वरिष्ठ जन है, वृद्ध जन है, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो क्या वो उस इस एक्ट के अंतर्गत लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वो भी इस एक्ट के अंतर्गत वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो संपत्ति रखने वाला व्यक्ति कर सकता है, और जो उनके पुत्र या पुत्रियां हैं उन सबसे वो अपने मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए क्लेम कर सकते हैं। चलिए जी, ये आपने अच्छी बात बताई कि जिनके पास संपत्ति नहीं है वो भी इस पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैं कुल मिला के जो 2007 अधिनियम आया है वो वृद्धजनों के लिए ही आया है, अगर आपके पास संपत्ति है तो ठीक है, नहीं है तब भी आप इस अधिनियम के तहत आते हैं। धर्मेंद्र जी एक प्रश्न इसमें और मैं पूछना चाहूंगा, सीनियर सिटीजन जो है इस अधिनियम के तहत किसके खिलाफ दावा कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया, जो वरिष्ठ जन है सीनियर सिटीजन है उनकी संपत्ति जिसको उनके न रहने के बाद हस्तांतरित होगी, वो उनके पुत्र हों, उनकी पुत्री हों, उनके और कोई डिपेंडेंट हों, दूसरा उनके पुत्र पुत्री आदि नहीं है, तो उनके जो परिवार के अति नजदीक रिश्तेदार नातेदार हों,
जिनको उनकी संपत्ति हस्तांतरित होगी उन सभी को पक्षकार बनाते हुए वो मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो प्रोविजंस हैं ये ट्रिब्यूनल का अपना स्वविवेक है कि वो किस पुत्र किस पुत्री या किस रिश्तेदार से उनके मेंटेनेंस को करने के लिए निर्देश करेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर देखा जाता है किसी व्यक्ति के चार पुत्र हैं, अब चारों पुत्र इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने चार में से एक दो पुत्र सक्षम है, एक दो पुत्र सक्षम नहीं है, तो ये स्वविवेक होगा ट्रिब्यूनल का, जहां पर वो वृद्ध जन अपनी याचिका को प्रस्तुत करेंगे, अपने प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करेंगे, और वो प्रार्थना पत्र चाहे स्वयं प्रस्तुत करें या अपने किसी प्लीडर के माध्यम से प्रस्तुत करें और किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से प्रस्तुत कराएं, उनको ये अधिकार मिलेगा। ट्रिब्यूनल उनको जो भी सक्षम उनका पुत्र या पुत्री होगी या जो रिश्तेदार होंगे उनसे उनके मेंटेनेंस वेलफेयर दवा आदि के लिए इलाज आदि के लिए ट्रिब्यूनल आदेश कर सकता है। वो एक्चुअल उनका ट्रिब्यूनल का राइट है और स्वविवेक है। चलिए ये आपने अच्छी बात की कि ट्रिब्यूनल का राइट होता है, स्वविवेक होता है कि किस पुत्र पुत्री के पास माता पिता को भेज दे ताकि उनका भरण पोषण हो। इसी बीच एक दर्शक उमेश जैन जुड़ चुके हैं मेरठ से। उमेश जैन जी आप अपनी बात कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार उमेश जी, मुझे ये पूछना था जी कि एक खरीदार 27 लाख में सौदा तय हुआ है और उसके 3 चेक देना चाह रहा है, वो 3 चेक देने जा रहा है खरीदार जी, इसमें कोई आपत्ति है? देखिए जो चेक आपको वो प्रतिफल के रूप में दे रहे हैं, यानी आप अपनी संपत्ति को उनको विक्रय कर रहे हैं और उस विक्रय के प्रतिफल कंसीडरेशन अमाउंट के रूप में वो चेक दे रहे हैं आपको, उन चेकों को जो ट्रांसफर डीड है उसमें आपको मेंशन कराना चाहिए। वो चेक अगर ट्रांसफर डीड में मेंशन होंगी तो जो कंसीडरेशन अमाउंट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, तो ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा। और अगर वो कंसीडरेशन अमाउंट आपको प्राप्त नहीं होता यानी कोई भी चेक डिसऑनर हो जाती है तो वो जो ट्रांसफर डीड है वो अपने आप में वॉइड हो जाएगी यानी शून्य हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपने हमें कॉल करी और अपनी बात कही। तो आज हम बात कर रहे हैं वृद्धजनों यानी कि सीनियर सिटीजन की, उनके अधिकारों को लेके, उनके भरण पोषण को लेके। अक्सर आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन जो है वो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहती और कई तो हद तब पार हो जाती है जब वो अपने माँ बाप को बाहर घुमाने ले जाते हैं और कहीं छोड़ आते हैं और माँ बाप जो है बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप जो है वो दर दर की ठोकरें खाती है। इसी पर हम आज चर्चा करें, हमारे साथ आज मेहमान है, हमारे साथ एक और मेहमान वरुणी गुप्ता जी भी हैं, उनसे जरूर जानेंगे इस विषय में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक दर्शक हमारे साथ दीपक उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। दीपक जी आप अपना प्रश्न कीजिए। दीपक जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। चलिए लगता है दीपक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक और मेहमान है एडवोकेट वरुणी गुप्ता जी। वरुणी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन की बात हो रही थी, दावा करने की बात कर रही थी, धर्मेंद्र जी ने बताया था, इसी संबंधित एक सवाल मेरा आपसे है, सीनियर सिटीजन जो है वो दावा कहां प्रस्तुत कर सकते हैं? जी तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि सीनियर सिटीजन की अगर कुछ राइट्स हैं जो वायलेट हो रहे हैं या फिर उनको कोई रेमेडी चाहिए तो वो किसके अगेंस्ट क्लेम करें, तो उसी में मैं एक थोड़ी सी चीज एक और ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि सर ने बताया था कि सीनियर सिटीजन के जो बच्चे, मतलब कि एक्चुअली 3 कैटेगरीज होती हैं जिससे कि सीनियर सिटीजन ये सब रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। पहले तो होते हैं उनके जो जस्ट बॉर्न बच्चे होते हैं, जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। दूसरे अगर उनके जैसे कि चाइल्डलेस ग्रैंड पेरेंट्स है कि उनके बच्चे नहीं हैं और उनके मतलब जस्ट नेक्स्ट हायरार्की में कोई भी बच्चे नहीं हैं, तब उनके जो फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स हो गए, नीज नेफ्यू हो गए, भतीजे या फिर ऐसे लोग हो गए जो उनके मरने के बाद जिनको प्रॉपर्टी जाएगी, वो लोग जिनको प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उन लोग से वो क्लेम कर सकते हैं जी। तो अगर किसी ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे भी नहीं हैं और उनको कहीं से क्लेम करना है प्रॉपर्टी या फिर शेल्टर या मेंटेनेंस क्लेम करना है, तो उन लोगों के पास जिनके जब वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो प्रॉपर्टी जिनके ऊपर जाएगी, जिन पे पास ऑन होगी, तो उनसे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये आपने एक अच्छी बात बताई कि जब प्रस्तुत करने के तरीके हैं, ये 3 कैटेगरी होती है। आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा वरुण जी। एक दर्शक हमारे साथ अमरोहा से राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी आप अपना प्रश्न कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार राजेंद्र जी।
जी सर ऐसा है जी, हमारे पिताजी हैं, हम उनकी 5 संतान हैं, 5 लड़के हैं जी। तो उन्होंने सबको बराबर संपत्ति दी है जी। तो क्या एक ही लड़के का उनका जोर होता है या सारे लड़कों का जोर होगा उनका? देखिए उनका जो अपना इस अधिनियम में प्रोविजन है उसके अनुसार सब पर उनका पूर्ण अधिकार होगा और सभी से उनको मेंटेनेंस पाने का अधिकार होगा, यानी अपने वेलफेयर और मेंटेनेंस के लिए उन सभी से वो बराबर का अपना हक ले सकते हैं। अगर नहीं वो पांचों या चारों लड़के जो भी हैं वो अगर उनको उस तरह से उनकी सेवा, उनकी देखभाल, उनके इलाज आदि के लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो वो उनका स्वविवेक भी है कि वो चारों पांचों से ले या किसी एक से ले, वो उनका अपना स्वविवेक है, जो अधिनियम में प्रोविजन है वो ले सबसे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने कॉल करी और अपना प्रश्न पूछा। वरुण जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर उनको मेंटेनेंस क्लेम करना होता है तो वो कौन से ट्राइब्यूनल या कोर्ट में जाएं। तो अगर हमारे सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यानी कि 60 इयर्स एंड अबव के जो हमारे सिटीजन होते हैं उनको हम लोग सीनियर सिटीजन मानते हैं, तो उनको अगर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है और उनको उनके बच्चों ने अबैंडन कर दिया या फिर उनको एक प्रॉपर मेंटेनेंस मिल नहीं रहा है अपनी लाइफ जीने के लिए, उनके एक्सपेंसेस के लिए, तो एक एप्लीकेशन मेंटेनेंस का हम लोग फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 16 और वो ट्राइब्यूनल में फाइल करना होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइब्यूनल्स होते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या वे सब डिविजनल ऑफिसर्स उनको चेयर करते हैं, उनको हेड करते हैं। उस ट्राइब्यूनल में हम लोग को मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल करना होता है। अब यहाँ पे मेंटेनेंस के एप्लीकेशन जो फाइल करने का प्रोसीजर होता है वो भी या तो सीनियर सिटीजन खुद कर सकता है जैसे कि सर ने बताया था, या फिर अगर सीनियर सिटीजन नहीं कर पा रहे खुद से, वो उतने केपेबल नहीं है इकोनॉमिकली या फिजिकली या फिर कैसे भी, अगर वो केपेबल नहीं है तो बहुत सारे सोशल वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और हर स्टेट में सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो ऐसे वृद्धावस्था वाले लोगों को या फिर ऐसे कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए हमेशा वॉलंटरली खड़े रहते हैं, तो उन सोशल ऑफिसर्स के थ्रू भी ये एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। या फिर जो ट्राइब्यूनल होता है वो अपने मोशन से मतलब स्वो मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट की ऐसी जानकारी में आता है कि ऐसा कुछ केस हो गया है जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स को अबैंडन कर दिया गया है या फिर उनको मेंटेनेंस चाहिए या फिर उनके बच्चों ने छोड़ दिया है और उनके पास जीवन जीने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे हैं, छत नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए भी अगर कोर्ट की नॉलेज में कोई और लाता है या फिर कोर्ट को खुद पता चलता है तो कोर्ट खुद ही उस चीज का कॉग्निजेंस लेती है, कॉग्निजेंस मतलब एक्शन लेती है और वो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो पीड़ित सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए प्रोसीडिंग्स बढ़ाती हैं। तो ट्राइब्यूनल के पास हम लोग जो भी एप्लीकेशन होता है मेंटेनेंस का वो हम लोग ट्राइब्यूनल को देते हैं। इसमें एक और सवाल मेरा पूछना चाहूंगा, आपने ट्राइब्यूनल की बात करी वरुणी जी, अगर अपील जो है वो अगर ट्रिब्यूनल में नहीं हो पाती तो अपील करने का और क्या इसमें प्रक्रिया होती, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। जी देखिए अगर ट्राइब्यूनल का कुछ ऑर्डर आता है और वो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, विक्टिम पार्टी है, अगर उनके फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो यहाँ पे भी उनके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो अग्रीव्ड है मतलब कि उनका डिसीजन फेवर में नहीं है और उनको उस डिसीजन उनके बेनिफिट में नहीं है, उनको उस अपनी सारी सुविधा जो समस्या थी उनका समाधान नहीं मिला है, तो इसके बाद भी वो 60 डेज के अंतर अपील कर सकते हैं। अपील जो होती है, जो हमारा ट्राइब्यूनल होता है उसकी अपर बेंच में जाती है, एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाती है, तो अपील भी 60 डेज के अंदर ऑर्डर जब पास होता है लोअर कोर्ट से मतलब ट्राइब्यूनल से SDM के कोर्ट से, उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर जो सीनियर सिटीजन है, अग्रीव पार्टी है, उनको एपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने ये एक अपील मतलब एक अपील ट्रिब्यूनल के अपील एक फॉर्मेट में सेम चीज वही दर्शाते हुए हम लोग को फाइल करनी होती है अपील ट्रिब्यूनल में 60 डेज के अंदर ही अंदर। चलिए ये आपने अच्छी बात कही, 60 डेज के अंदर अंदर हमें वो फाइल करनी पड़ती है। इसमें एक और चीज पूछना चाहूंगा वरुणी जी आपसे, 2007 की बात की थी, धर्मेंद्र जी ने भी बात बताई थी कि 2007 में अधिनियम आया था, इसी से अब मेरा सवाल आपसे जुड़ा हुआ कि 2007 से पहले भी सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी कोई नियम थे या नहीं? जी देखिए 2007 का जो एक्ट आया है उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि उसके पहले सीनियर सिटीजन्स थे तो उनके पास मेंटेनेंस या फिर प्रॉपर्टी के इश्यूज नहीं होते थे। प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन और केयर के इश्यूज बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। 2007 में जब ये एक्ट आया था उसके बाद से थोड़ा सा
एक तरीके से चैनल इजी हो गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया और एक क्लियर पिक्चर मिल गई लॉ को. पर 2007 से पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है, सेक्शन 125, जो एक मेंटेनेंस का सेक्शन है. तो इस मेंटेनेंस के सेक्शन के अंदर या फिर मतलब दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी हम कह सकते हैं जो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, या तो जो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर हम लोग पाएंगे, तो या तो विमेन्स जो जिनको डिजर्ट कर दिया गया है या डाइवोर्स हो गया है उनका मेंटेनेंस होता था, उनके साथ उनके अगर माइनर बच्चे हैं उनका, या फिर पेरेंट्स का जो जिन मतलब बच्चों ने अपने पेरेंट्स को डिजर्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया है, मेंटेनेंस वो प्राप्त कर सकते हैं. या फिर सीनियर सिटीजन मतलब 60 इयर्स एंड अबव की जो हमारी जनता है, अगर उनका भी किसी तरीके से उनको विक्टिमाइज करा जा रहा है, उनके जितना भी मेंटेनेंस का उनके पास प्रॉपर्टी या फिर मनी या फिर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया, वो अगर उनके बच्चों ने हड़प लिया है, उनसे इमोशनली ब्लैकमेल करवा के अपने नाम पे करवा लिया है, तो वो सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, वापस अपने नाम पे करवाने के लिए सेक्शन 125 के अंदर हमारी पेटिशन जाती थी मेंटेनेंस के लिए. तो जब 2007 का लॉ नहीं आया था तब हम लोग 125 के अंदर ही वो क्लेम करते थे मेंटेनेंस अपने बच्चों से. मतलब जो सीनियर सिटीजन थे वो अपने बच्चों जिन्होंने उनको डिजर्ट किया है या फिर जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली है किसी भी तरीके से, या फिर उन्होंने खुशी खुशी दी हो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया हो, या फिर जबरदस्ती उन्होंने साइन करवा लिया हो, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी ऐसे उत्पीड़न होता था उनके अगेंस्ट, तो सेक्शन 5 के अंतर्गत वो लोग एप्लीकेशन देके अपना एक मेंटेनेंस क्लेम करते थे. 2007 के पहले ऐसे चलता था, 2007 के बाद एक्ट के अंदर हम लोग ट्राइब्यूनल में मूव करते हैं एप्लीकेशन. चलिए, ये आपने अच्छा बताया कि 2007 से पहले एक सेक्शन 125 के तहत हम क्लेम करते थे. और बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी भी वृद्ध जन माता पिता के अगर आपने संपत्ति झड़प ली हो या फिर आपको दी हो, तब आपने अगर उनको दरकिनार कर दिया हो, बेघर कर दिया हो, तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया हो सकती है. और क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है इसके बारे में जानेंगे. धर्मे जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी वरुणी जी ने हमें बताया सब कुछ अच्छी बात की सीनियर सिटीजन के लिए नियम क्या होते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं. अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस के लिए जो दावा होता है वो माता पिता के अलावा कोई और भी कर सकता है. देखिए, जो जैसा कि प्रावधान है इस अधिनियम में उसके अंतर्गत माता पिता वरिष्ठ हैं, नागरिक हैं, वो अपना ट्रिब्यूनल के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत करके रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं. और जैसा कि वरुणी जी ने अभी बताया, उस पिटीशन में अगर ट्रिब्यूनल से उनको उनके अकॉर्डिंग रिलीफ नहीं मिलता है तो सेक्शन 16 सब क्लास 5 में वो जिले के जिलाधिकारी के समक्ष अपनी अपील भी प्रस्तुत कर सकते हैं. ये तो एक कानूनी पक्ष हो गया. इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता को, जैसे अपने देश में है ना कि पितृ देवो भव मातृ देवो भव, इस अवधारणा को जिन लोगों ने दरकिनार करके वो किसी तरीके से, आजकल जो पारिवारिक विवाद होते हैं उसमें इस तरह की समस्याएं बहुत सारे परिवार में आती हैं, और जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि लगभग 10 करोड़ वृद्धजन ऐसे हैं जो इन समस्याओं से लगातार रूबरू हो रहे हैं. तो इसमें जो प्रोविजन है उसमें अगर वो बच्चे अपने माता पिता को पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उनको कहीं छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनका इलाज नहीं कराते हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो इस अधिनियम के सेक्शन 24 में प्रोविजन है कि उनके खिलाफ जिस तरह से आपराधिक मुकदमा चलता है उस तरीके से उनके खिलाफ भी विचारण हो, और उस विचारण में सजा का प्रोविजन भी है, दंड का प्रोविजन भी है. दंड में अधिकतम 5,000 रुपए तक के दंड का प्रोविजन है, और जहां तक सजा का प्रश्न है वो 3 महीने की सजा का प्रोविजन भी है. तो निश्चित रूप से इस एक्ट के आ जाने के बाद जो वरिष्ठ जन है उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिली है, उनके कहीं ना कहीं अधिकारों का संरक्षण हुआ है, और जो भी इस तरह के अधिनियम के आने के बाद इस तरह के दायित्वों का निर्वहन नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के भी प्रोविजंस स्पष्ट रूप से समाज में दिखाई दे रहे हैं. चलिए, ये आपने अच्छी बात बताई धर्मेंद्र जी कि दंड का भी नियम है इस प्रावधान के अंदर और सजा भी है. 5,000 रुपए अधिकतम राशि का दंड है और 3 महीने की सजा है. इस पर और भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपने समाज से संबंधित बात कही, तो इस पर आज भी मैं आपको बताऊंगा. अभी जो केसेस हुए आपने बताया कि पारिवारिक जो कलह इसी से जुड़ी होती है, लेकिन एक सवाल है जो वरुणी जी से मैं पूछना चाहूंगा. वरुणी जी, आपसे एक सवाल है. आपने दावे के बारे में बताया कि अपील यहां कर सकते हैं, इसी से मैं आप पूछना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन है जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वृद्धाश्रम में रहते हैं या फिर फुटपाथ पे भी आजकल रहने को मजबूर हो चले, वो जो दावा करते उसकी क्या प्रक्रिया होता है, जो दावा करने की प्रक्रिया, एक बार वो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए.
जी, जैसे कि मैंने बताया था, क्लर्क ट्राइब्यूनल के सामने हम लोग को मेंटेनेंस का एप्लीकेशन प्रस्तुत करना पड़ता है। तो जब सीनियर सिटीजन अपना एक रिटन एप्लीकेशन प्रस्तुत करते हैं एसडीएम की कोर्ट में, सब डिविजन मैनेजमेंट मैनेजर सब मैजिस्ट्रेट एम सो सॉरी एसडीएम के कोर्ट में जब एप्लीकेशन वहां पे प्रेजेंट करते हैं, तो उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाता है। जब एप्लीकेशन जमा हो जाती है तो एविडेंसेस लिए जाते हैं, जो भी उन्होंने क्लेम किया हो, जो भी पार्टी ने क्लेम किया है, सीनियर सिटीजन ने क्लेम किया है कि हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारे बच्चों ने जबरदस्ती साइन करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम में करवा ली और हमको बाहर निकाल के ओल्ड एज होम में रख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के ऊपर एविडेंसेस मांगे जाते हैं, कमिटी बिठाई जाती है, इंक्वायरी होती है प्रॉपर कि जो ये स्टेट करा गया है वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए जो कमिटी बिठाई जाती है इंक्वायरी करती है और पूरी एक तरीके से एविडेंस प्रोसीजर निकाला जाता है, एविडेंसेस निकाले जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद नोटिसेस जाते हैं बच्चों के लिए कि जो बच्चों, जैसे कि दो बच्चे अगर हैं, दो बच्चों के नाम एंड एड्रेसेस एप्लीकेशन में लिखे होते हैं, तो उन एड्रेसेस में समन्स भेजे जाते हैं, नोटिस टू अपीयर एंड नोटिस टू फाइल अ रिप्लाई। जो एप्लीकेशन गया हुआ है तो उसका रिप्लाई मांगते हैं बच्चों से, एंड फिर जो दूसरी पार्टी है मतलब कि चिल्ड्रंस, वो अपनी सबमिशन रिटन सबमिशन देते हैं। जब दोनों रिटन सबमिशन आ जाते हैं तो दोनों के एविडेंसेस को कोर्ट मेजर करती है कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो दोनों पार्टी ने स्टेट किया है, कौन से एविडेंसेस सारे फैक्ट्स को अच्छे से प्रूव कर रहे हैं। उसके बेसिस में कोर्ट डिसाइड करती है कि मेंटेनेंस क्लेम स्टैंड करता है कि नहीं करता है। अगर मेंटेनेंस प्रूव हो जाता है कि मेंटेनेंस देना अनिवार्य है, तो कोर्ट डायरेक्ट करती है ग्रैंड चिल्ड्रन को या चिल्ड्रन को, जो भी पार्टी से जिनसे वो क्लेम कर रहे हैं, कि इतना अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस आपको हर महीने अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को देना है। तो कोर्ट आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस एंड आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज एविडेंसेस देख के दोनों पार्टीज के, तब जाके डायरेक्शन पास करती है दूसरी पार्टी की तरफ कि आपको मंथली इतना अमाउंट एज मेंटेनेंस देना है अपने पेरेंट्स को। तो एक तरीके से ये एक बहुत सिंपल मैंने तरीके से आपको प्रक्रिया बताई है इसमें। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको मतलब दे आर नॉट लायबल टू पे एनी फीस, द लीगल एक्सपेंसेस, जो लीगल एक्सपेंसेस जितने भी वृद्ध लोगों के होते हैं वो भी वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से। अगर उनके ए टू जेड जितने भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं मेंटेनेंस क्लेम करने में, तो वो भी वो अपने बच्चों से क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर इतना भार आ जाए और उनको वो लॉ का मतलब सपोर्ट ही नहीं ले पाए। तो इसलिए ये लॉ में लिखा हुआ है कि जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं वो भी वो अपने बच्चों से क्लेम कर सकते हैं ए टू जेड। और जितनी भी अगर जब ऑर्डर पास होता है तो उसकी कॉपीज हम लोग को मिलती है कोर्ट से, उसके लिए हम लोग को एक अमाउंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कोर्ट बहुत ही रिलीव्ड है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पूरा प्रोसीजर होता है कि जो उनका एक्ट बना है उनकी कंप्लीट वेलफेयर के लिए, उनके कंप्लीट बेनिफिट के लिए वो एक्ट बना हो। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो सीनियर सिटीजन है उनको अपनी जेब से एक रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे इस प्रक्रिया के तहत। तो 2007 में जो अधिनियम आया था कि वृद्धजनों के लिए, कि उनके पोषण के लिए, उनकी रख रखाव के लिए, उनकी चीजों के लिए जो मेंटेनेंस और जो वेलफेयर बनाया था सीनियर सिटीजन का, उसमें उनको एक रुपए भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे साथ दोनों मेहमान थे, खासतौर से वरुणी जी ने जो चीजें समझाई है, अब मैं दावा आपसे करता हूं कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, जो हमारे सीनियर सिटीजन है जिनको घर से बेघर कर दिया हो, तो अपने हक की लड़ाई लड़िए, एक पैसा आपका नहीं खर्च होगा क्योंकि कोर्ट, न्यायालय और सरकार आपके साथ है। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आप अपनी अहमदाबाद से एक दर्शक जुड़े हैं, कमलेश आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई मिडिल एज का आदमी जिसके ऊपर उनकी वाइफ ने 125 के तरह केस किया हो मेंटेनेंस का, जो 10 साल से अपने मायके में रह रही है अपनी लड़की की वजह से, अपने रीजन से रह रही है, फिर भी 125 का केस किया है,
और वो जो आदमी है कुछ काम नहीं करता क्योंकि उनके मदर फादर बहुत बीमार है उनकी सेवा में, तो ऐसे केस में भी कोर्ट 5000 रुपया इंटरमीडिएट मेंटेनेंस मंजूर कर देती है, तो क्या इसमें कुछ प्रावधान नहीं है कि वो ना करे क्योंकि वो काम कर सके ऐसी कंडीशन ही नहीं है, मेडिकल एविडेंस रजू करे, एक बात ये। और दूसरी ये कि वो स्त्री जो है उनका खुद का फॉल्ट है, वो अपनी वजह से रह रही है और जो पति है उनका लग्न हक पूरा नहीं कर रही है, तो वो भी फॉल्ट में ही है, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर रही, पति की सेवा नहीं कर रही, उनके साथ में नहीं रही है, तो उनकी सजा क्या? उनको तो पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलता रहेगा, मगर उन्होंने लग्न हक पूरा नहीं किया तो उनके ऊपर क्या कोई मुकदमा कर सकते हैं हम? देखिए, अगर आप अपनी पत्नी को अपने साथ में रखना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक वाद प्रस्तुत करना चाहिए पारिवारिक न्यायालय में। वो पत्नी को आपके पास आना होगा माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत। अब अगर वो अपने व्यक्तिगत कारणों से अपने मायके में रह रही हैं तो विदा होकर आपके पास आ जाएंगी, तो आप उस जिम्मेदारी से बच जाएंगे जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है, यानी एंट्री मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस का अगर कोई ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर में जिस मेरिट पे ऑर्डर हुआ है तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील आप कर सकते हैं, और अगर वो मेरिट पे नहीं हुआ, एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, तो निश्चित रूप से अपने आप कंटेंट्स जो आप मुझे अभी बता रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से, उस वो सारे कंटेंट्स एविडेंस के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। जो उनका मेंटेनेंस है, मिनिमम मेंटेनेंस तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको मिलेगा, लेकिन आपको लगता है एक्सेस मेंटेनेंस अगर कोई उनको फिक्स कर दिया गया है तो निश्चित रूप से उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा और वो आपको एक्सेस मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, आपने कॉल करी और एक सवाल पूछा जी की से बात का। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एक जहन में एक सही सवाल आ गया कि माता पिता की अगर कोई पुत्री होती और उसकी शादी हो गई और बाद में माता पिता जो है वो वृद्ध है, उनकी सेवा के लिए क्या वो माता पिता अपनी पुत्री पे आश्रित रहते हैं, क्या वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं, इस अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं? जो अधिनियम में प्रोविजन है उसमें जैसा वर्णी जी ने बताया कि जो पुत्र या पुत्री है और पुत्र या पुत्री के बाद उनके नाती और नातिन हैं, यानी पिता माता और बाबा दादी, ये इन सब को इनको मेंटेनेंस देने का, इनको वेलफेयर इनका करने का, इनकी देखभाल करने का पुत्र पुत्री का बराबर का दायित्व तो होता है। और निश्चित रूप से अगर पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो जो सीनियर सिटीजन है उनकी संपत्ति पुत्री को जाएगी, तो जब पुत्री को उनकी संपत्ति जाएगी तो पुत्री उनके वेलफेयर के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनकी देखभाल के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितना पुत्र है, भले उसकी शादी हो गई हो और शादी हो जाने के बाद वो अपने ससुराल में अपना जीवन यापन कर रही हो, उसे उतना ही दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा अपने माता और पिता के लिए जितना एक पुत्र को अपने माता पिता के लिए करना पड़ेगा इस अधिनियम के प्रोविजंस के अनुरूप। चलिए, ये आपने अच्छी बताया कि पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों लोगों को अपने माता पिता का ध्यान रखना है, अगर आप नहीं रखेंगे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको रखना होगा, ये जो है नियम ये इस चीज के बारे में आ गया। इसी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, अभी हाल ही में एक केस आया था गाजियाबाद से, सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीरें वायरल हो रही थी, उसमें एक माँ बाप पति पत्नी रोते हुए ये अपील कर रहे थे कि उनके बेटों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, कृपया उनको उनके घर दिया जाए, तो इस तरह की जो अभी भी शायद नहीं मिल पाया है, इस उसमें क्या कानूनी कार्रवाई होगी इस अधिनियम के तहत? देखिए, जैसा आपसे जानेंगे जी, अलीगढ़ से एक दर्शक नंदलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। नंदलाल जी, राय रखिए अपनी। अपनी बात रखिए नंदलाल जी। नंदलाल जी, आप अपनी बात रखिए, इतना समय नहीं हमारे पास, अपनी बात जल्दी से। मैं नंदलाल मायपुरी अलीगढ़ बोल रहा हूँ सर। जी सर, हमारी एक जमीन है यहाँ सिंगारपुर में, धर्मशाला है सर, जानकी, हाँ एक धर्मशाला है जानकी भाई धर्मशाला नाम से। जी जी, तो वो जमीन किसी ने कब्जा रखी है सर उधर। और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, जल्दी से अपना प्रश्न पूरा कीजिए। जमीन है उसी को किसी ने कब्जा कर रखा है जी, और इनके जो हमारी जो सास है इनके कोई लड़के नहीं है, लड़की लड़की है जी। तो सर वो जमीन पे बहुत वो कर रहे हैं वो। क्या देखिए, जो आपने धर्मशाला की बात बताई, यानी किसी भूमि और भवन की बात बताई, तो जो धर्मशाला है वो सामाजिक उपयोग के लिए है। अगर उस धर्मशाला पर व्यक्तिगत आपकी सास यानी मदर इन लॉ का नाम चढ़ा हुआ है स्वामित्व में,
तो उनके जो भी पुत्र या पुत्री होंगी उनको उसका अधिकार मिलेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि उनके पुत्र नहीं है पुत्रियां हैं, तो 2005 में जो अधिनियम आया था उत्तराधिकार के लिए, उसमें जितने अधिकार पुत्र के हैं उतने ही अधिकार पुत्री के भी हैं। आप माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत करिए और अपने जो संपत्ति है उस संपत्ति पर अपने अधिकार को क्लेम करिए, निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा आपको आपका अधिकार मिलेगा। और जहां तक अवैध कब्जे की बात है, अवैध कब्जे के लिए आप प्रशासनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं, लिखित शिकायत करने पर अवैध कब्जा वहां से हटाया जाएगा। और अगर प्रशासनिक रूप से आपको मदद नहीं मिलती है तो माननीय न्यायालय में आदेशात्मक व्यादेश के द्वारा आप रिलीफ प्राप्त करते हुए अवैध कब्जे को हटा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदलाल जी। एक दर्शक रामधनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामधनी जी, जल्दी से अपना प्रश्न कीजिए। जी सर, मैं मथुरा से रामधनी बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न कीजिए। चलो सर, मेरा एक सवाल है कि मेरा गोरखपुर से पास में लगा हुआ है, मेरी पैतृक संपत्ति है। तो मेरी पैतृक संपत्ति में हम चार भाई भागीदार हैं, जिसका पहले बंटवारा हो चुका था जी। और बड़े भाई ने मेरी जमीन का जो हिस्सा था खेती का, वो तो उसने अपने नाम लिखा लिया था, उसका पैसा मेरे को दे दिया था, जो भी दिया था कमती वर्ती उससे मतलब नहीं है। बाकी बचा हुआ भाग जो बगीचे का है उसमें 1/4 का मैं हिस्सेदार हूँ, उस पर कब्जा कर रखा बड़े भाई ने। हमने जब इतराज दाखिल किया तो साहब उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम वो जो है दिया सर। क्या इस पर कार्रवाई? देखिए, आपका जो आपकी जो समस्या है उसमें कुछ पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया और कुछ पैतृक संपत्ति जो बाघ के रूप में है उसमें आपका वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ। और अगर आपका आपसी कोई सेटलमेंट हुआ भी तो आपको वहां पर वो कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। इस संबंध में आप एक प्रार्थना पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दीजिए, गोरखपुर में आपका जो पैतृक निवास है उससे संबंधित SDM जो हो उनको आप दीजिए। और SDM को ये पूर्ण अधिकार है कि वो कार्रवाई करते हुए आपके हिस्से को एक क्लासिफाइड कराएंगे, यानी उसका डिमार्केशन कराएंगे और आपको आपके हिस्से का कब्जा भी प्रदान कराएंगे। चलिए, ये बात तो आपने सही कही। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था धर्मेंद्र जी, उस उन माँ बाप के लिए क्या कुछ हो सकता है कार्रवाई, जो रो रहे हैं जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। देखिए, जो अधिनियम 2007 में आया उसके बाद से जो वरिष्ठ जन है, जो माता पिता है, जो बाबा दादी है, सबको पूर्ण अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। इसके बावजूद सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि घर में आपसी कलह आपसी विवाद की वजह से पुत्र पुत्री या जो भी हैं वो अपने माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं कि प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम होगा, प्रत्येक जिले में वृद्धजनों के इलाज के लिए एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल होगा, ऐसे ही बहुत सारे रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को अपने घर से या उनकी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं तो माता और पिता को पूर्ण अधिकार है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र दें और उनका जो घर है उस पर उनको कब्जा प्रदान कराने का ट्रिब्यूनल को पूर्ण अधिकार है। इसी के साथ में अगर उनके पुत्र या पुत्रवधु ने उनके घर पर कब्जा कर रखा है और उनको बेदखल कर दिया है तो उनके पुत्र और पुत्रवधु को वो ट्रिब्यूनल आदेश करके बेदखल कर सकता है। ये भी प्रोविजन इस अधिनियम में प्राविधानित है। चलिए, तो आज हमने बात करी है सीनियर सिटीजन के पक्ष में कि 2007 में जो अधिनियम आया था उस अधिनियम के तहत उनके भूषण और भरण प्रहरण के लिए जो प्रावधान वो हो सकता है। फिलहाल आज के इस शो वकील आपका में मैच इतना ही। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी नमस्कार धर्मेंद्र जी, और शुक्रिया वर्णी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाते जाते एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रवीण, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जल्दी से अपनी बात कीजिए। चलिए, लगता है प्रवीण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के शो वकील आपके में महज इतना ही। आप बने रहिए K News India के साथ। नमस्कार।